हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निभा रहे शैलेश लोधा पिछले 8 साल से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हिस्सा बने हुए हैं। और गाइस, अगर आप भी करीब 8 साल से तारक मेहता देख रहे हैं तो गाइस आप सभी को पता होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा भले कोई ना कोई करेक्टर मिसिंग हो, चाहे कोई करेक्टर कभी कभी ना दिखाया जाए, लेकिन तारक मेहता एक ऐसे करेक्टर हैं जो हमेशा एपिसोड के अंत में दिखाई देते हैं। आज जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ और जो अपकमिंग एपिसोड है उसमें एक्साइटमेंट बनाने के लिए वो हर एपिसोड के एंड में कमेंट्री करते हैं। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि शैलेश लोधा यानी कि तारक मेहता पिछले 8 साल से हर एपिसोड के एंड में कमेंट्री क्यों करते हैं? गाइस, आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि शैलेश लोधा रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक लेखक हैं। और गाइस, आपको बता दूं कि एपिसोड के एंड की जो कमेंट्री होती है वो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होती है, यानी कि शैलेश लोधा उस कमेंट्री को खुद करते हैं जो कि उनकी खुद की अपनी दिमागी होती है। गाइस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता खुद शैलेश लोधा है, इसलिए वो किसी भी एपिसोड को मिस नहीं कर सकते। गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले 8 साल में तारक मेहता भले ही पूरे एपिसोड में नजर ना आए, लेकिन वो उस एपिसोड की कमेंट्री करते हुए एंड में जरूर दिखाई देते हैं। सो गाइस, यही कारण है तारक मेहता में तारक मेहता के एंड में आने का। सो गाइस, शैलेश लोधा उर्फ तारक मेहता के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन आता है उससे प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी हम अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिल सके।